मतलब स्कॉर्पियो लेने का प्लान था, तो स्कॉर्पियो से यार स्विफ्ट पे है, ये कुछ अलग ही सीन है भाई। तो भाई ये देख लो, बाकी भाई का डंडा रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है भाई ये? नहीं नहीं ऐसे रखा हुआ है। ऐसे कैसे उतार देंगे? बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, बातचीत है बच्चे। ये हो क्या रहा है भाई? कोई स्विफ्ट वाला कहता है कि माइलेज अच्छा है, कोई स्विफ्ट वाला कहता है बिल्कुल बेकार है। ये भाई ने लगा रखा है कौन सा भाई? रोकफोर्ड का। ओके, अरे ये तो देख ही लो ना भाई, ये देखो ये देखो, मतलब ओल्ड स्कॉर्पियो लवर हो आप प्रॉपर है। हेलो दोस्तों, तो भाई आज मैं लेके आऊं आपके लिए, सामने देख लो भाई, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। और भाई स्विफ्ट में जो मॉडिफिकेशन होती है ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल होती है। जैसे सामने देख लो भाई, एलॉय व्हील वगैरह इसमें डले हुए हैं, लो प्रोफाइल टायर भी हैं, और बाकी भाई और भी बहुत सारा काम है। पर मेन क्या है ना यार, स्विफ्ट आजकल अपने चैनल पर बहुत आ रही है, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो नोटिफिकेशन आपको, ताकि तुरंत के तुरंत मिलती रहे। एक और रिक्वेस्ट है यार, अभी हमने 7,000 सब्सक्राइबर थोड़े से क्रॉस करें, तो यार खुशी की बात है थोड़ी सी। और बाकी जो 7,000 लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ताकि वो गाड़ियों की अपडेट है जो आने वाली है, जो भी है रील वगैरह है, वो भी एंजॉय करो। तो जाके जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और चलो भाई इनके ओनर के पास चलते हैं सीधे। क्या हाल है भाई? बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया भाई, नाम बता दो भाई अपना। भाई मेरा नाम गुरी है। गुरी, तो गुरी भाई कब ली थी ये गाड़ी? ये ली थी भाई 4 महीने हो गए। 4 महीने? अच्छा, अभी निकाली है? ओहो, तो कितने किलोमीटर चला दी ये? चल गई अभी 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर? हाँ जी। या 500-600? नहीं नहीं 5-6 किलोमीटर। अच्छा, तो भाई ये देख लो नई गाड़ी है बिल्कुल, मतलब 5-6 किलोमीटर शोरूम में ही चल जाती है इतनी गाड़ी तो भाई है। आ, भाई दूसरी गाड़ी भी है ना, वो चला लेते हैं। कौन सी गाड़ी है? दूसरी है, इंडिका, इंडिका गाड़ी है। अच्छा, इंडिका, इंडिका रखी है ना। तो भाई वेरिएंट कौन सा है ये? जैसे LXi VXi है। तो यार मैंने देखा जितने भी स्विफ्ट आ रही है सब लोग VXi क्यों लेते हैं भाई? क्योंकि फिर LXi में ना वो मीटर बाहर से चेंज करवाते हैं बंदे, वो बात नहीं बनती जो बनाना चाहते हैं। अच्छा, मीटर के लिए ही VXi रहते हैं मेन कारण वो मीटर होता है ना भाई, मीटर ही है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि बेस वेरिएंट में क्या मिलता है ना, सिर्फ स्पीडोमीटर मिलता है, टैकोमीटर वगैरह नहीं मिलते। तो मेन रीजन VXi का ये भी होता है कहीं ना कहीं कि भाई VXi इसलिए लेते हैं ताकि उसमें जो मीटर है ना वो भाई सही, मतलब दोनों मीटर आपको मिल जाए। ठीक है, तो भाई काम क्या क्या करा रखा है आपने बताओ? ये काम भी है, इस टाइम एलॉय डलवा रखे हैं उसमें, प्लाटिक है। अच्छा, प्लाटिक एलॉय है, 17 इंच है ना? 17 इंच एलॉय डलवा रखे, लो प्रोफाइल टायर है। लो प्रोफाइल टायर है जी। तो टायर की प्रोफाइल है क्या भाई एग्जैक्ट? वैसे तो ये देख लो भाई, टायर की प्रोफाइल 215/45R17 17 इंच के भाई ने एलॉय डलवा रखे। तो कितने के पड़े थे गुरी भाई? ये मेरे को पड़ गए थे कम से कम भी भाई 60,000 के। 60,000 के? अच्छा, कहाँ से डलवाए थे? ये करोल बाग से। करोल बाग से? तो करोल बाग में ही है भाई सारा कुछ। हाँ जी, है जी। बाकी भाई इंस्टाग्राम आईडी बताओ। ऑफिशियल गुरविल सिंह। ऑफिशियल गुरविल सिंह। तो भाई अगर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा दोनों भाइयों के, मेरा भी और इनका भी, दोनों को जाके फॉलो कर लेना। तो भाई देख लो, व्हाइट कलर भाई ने लिया भाई, व्हाइट कलर का कुछ रीजन? नहीं नहीं बस भैया ऐसे ही व्हाइट ही अच्छी लगती है, व्हाइट और ब्लैक बस। तो एक बात बताओ यार गुरी भाई, जब आपने गाड़ी ली थी तो और कौन कौन सी गाड़ियां आपने ऑप्शंस में रखी थी? पहले तो मैं स्कॉर्पियो लेने की सोच रहा था। हाँ हाँ। तो फिर नहीं, घर वाले नहीं माने, कह रहे नहीं अभी नहीं। हाँ। अभी उम्र छोटी, 19 साल का हूँ। अच्छा, तो कह रहे अभी नहीं, 1-2 साल बाद ले लेना। अच्छा, तो अभी ये लोग कह रहे ये सब चलाना भी नहीं आती थी उस टाइम पे। अभी कह रहे फिर सीखी, फिर कह रहे कोई नहीं अभी चलाओ, फिर बाद में लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब स्कॉर्पियो लेने का प्लान था? तो स्कॉर्पियो से यार स्विफ्ट पे है, ये कुछ अलग ही सीन है भाई। घर वाले कह रहे अभी मत लेना इतनी बड़ी गाड़ी, ये ले ले फिर बाद में ले लेना। हाँ, तो भाई देखो घर वाले बोल रहे हैं अभी बड़ी गाड़ी मत ले, पहले इससे सीख ले। नहीं उन्होंने साफ बात, ये भी बात सही है भाई, उन्होंने अभी दिलाई नहीं है, है ना? ठीक है। और मतलब बस स्कॉर्पियो दिमाग में थी कि स्कॉर्पियो लेनी है, अभी लेनी है वो, अभी ले लेनी है। तो भाई एक बात बताओ, स्कॉर्पियो एन आई है नई वाली, तो कितनी हद तक सही लगी वो गाड़ी आपको? बिल्कुल भी अच्छी लगी। हाय 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 हाय, मतलब ओल्ड स्कॉर्पियो लवर हो आप प्रॉपर है। लेकिन आप ही के जो है ना भाई, आप ही की जो फैन फॉलोइंग है स्कॉर्पियो के लिए, उसी बेस पे देखो महिंद्रा ने कितना बड़ा कदम उठाया कि भाई उन्होंने स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से पुरानी वाली लॉन्च कर दी है ना, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं, ताकि जिसको पुरानी पसंद है वो पुरानी ले ले, जिसको नई पसंद है वो नई ले ले। भाई कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ आपको कौन सी वाली स्कॉर्पियो पसंद आई, नई वाली है पुरानी वाली? भाई तो और दिखा दे भाई, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं गुरी भाई, पीछे का सीन दिखा देते हैं गाड़ी का, ये देख लो। बाकी मेन क्या है ना भाई, स्विफ्ट में एलॉय व्हील डलने के बाद ही बहुत अच्छी खासी मॉडिफिकेशन हो जाती है ना, जरूरत नहीं होती नहीं, बाकी ज्यादा वो फिर अजीब सा लगने लग जाता है। हां, ओवर होती है। तो ये देखो, ये तो है ही मॉडिफिकेशन लवर क्या है भाई, डिसेंट सा रखो, ज्यादा ओवर भी मत करो, फिर थोड़ी अतरंगी सी लगती है। तो यार ये बताओ मुझे, जेड ब्लैक आपने करा रखा है, क्या सीन है भाई इसका? ये तो इल्लीगल मामला है। कुछ नहीं है भैया, सीन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हां, मतलब जिसे करानी है अपने दम पे करा लो। तो भाई ठीक है, ये ब्लैक फिल्म जो है जिसे करानी है अपने दम पे करा लो। बाकी वैसे हम रिकमेंड नहीं करते हैं, गुरी भाई भी रिकमेंड नहीं करते हैं इसको बिल्कुल भी, कोई कराओगे तो भाई चलान वगैरह कटेगा, आजकल प्रशासन वैसे ही सख्त हो गया है। 3-4 बार रोज रोकते हैं। अच्छा, तो उतरती नहीं है? नहीं उतारते, नहीं उतारते नहीं है हम, ऐसे कैसे उतार देंगे? नहीं, बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, बेटे बातचीत है बच्चे। ठीक है, तो यार एक बार देख लो स्विफ्ट का, बाकी नंबर प्लेट भी देख लो, भाई ने फैंसी सी लगा रखी है। और भाई कैमरा वगैरह आता है, लगवाया इसमें? लगवाया भाई।
कैमरा लगवाया है, कैमरा स्क्रीन के कारण बैक करते हुए दिखे जो। अच्छा अच्छा, तो म्यूजिक सिस्टम भी लगवा रखा है इसमें। अच्छा, तो भाई देखो म्यूजिक सिस्टम सुनाने वाला हूँ, पीछे से पहले सिस्टम दिखा देते हैं खोल के, इसका बेस ट्यूब वगैरह क्या सीन है भाई। ये देख लो, ये भाई ने लगा रखा है, कौन सा है भाई, ये रॉकफोर्ड का। ओके, तो ये रॉकफोर्ड का सिस्टम लगवा रखा है, और अंदर का इंटीरियर देख लो भाई एक बार पीछे से ही थोड़ा सा, ये देखो कैसा आता है स्विफ्ट में। बाकी अंदर बैठ के अंदर की बातें करेंगे, बाहर की बातें बाहर ही कर लेते हैं। तो सिस्टम कितने का पड़े था भाई? ये सिस्टम भी है मेरे को, मैंने दो तीन बार लगवा चुका हूँ, पहले एक बार 30-32 हज़ार रुपये लगा चुका था, फिर एक बार लगा के आया, मतलब मेरे को टोटल मतलब 70-75 के साथ। तो ऐसा क्यों भाई कि दो तीन बार, मतलब अभी जब नॉलेज नहीं थी अभी। अच्छा। इसमें सिस्टम पहली बार लगवा रहा था, पहले आधा लगवा दिया, फिर किसी दोस्त ने बोला मीटर लगवा दे, फिर हाँ। ये लगवा दिया, फिर एक एम्प टिकवा दिया, तो भाई अभी आधा पड़ा हुआ घर पे। अच्छा, तो अब ये बताओ मुझे, अगर कोई बंदा सोच रहा है कि सिस्टम वगैरह लगवाने की, आपने अब नॉलेज ले लिया 3-4 बार, तो क्या रिकमेंड करते हो भाई, कौन सा वाला सिस्टम नॉर्मल लगवाओ भैया? अच्छा ठीक है, और जैसे 4 मीटर लगवा लो, हाँ ठीक है, 2 एम्प लगवा लो, और 1300 वाट की ये लगवा लो बेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो भाई 1300 वाट की बेस्ट ट्यूब और 4 मीटर रेंज वगैरह और एम्प वगैरह भाई सजेस्ट कर, हिला देंगे तो वो भी दिखाएंगे अभी हिलते हुए, है ना। बाकी अंदर बैठ लेते हैं एक बार गुरी भाई। तो देखो बाहर से भाई क्या क्या काम है ना, मेन है एलॉय व्हील, बाकी जेड ब्लैक से तो भाई लुक अलग ही आया था गाड़ी का। और अभी यार इसमें ज्यादा कुछ कराया नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जिस हिसाब से आते इसमें एलॉय व्हील पड़ गए हैं ना, तो उस बेस पे लग रहा है कि मॉडिफिकेशन इसमें कुछ नेक्स्ट लेवल भाई कराने वाले हैं। बाकी उनसे पूछेंगे अभी कि भाई इसमें और क्या क्या कराने वाले हैं। तो और देख लो भाई पीछे बलेनो भी खड़ी है अपनी, इसका भी रिव्यू अभी करेंगे, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। तो ये देख लो यार, कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर, थोड़ा सा सॉफ्ट टच भाई। एलएक्सआई बेस में भी मिलता है कैसा? अच्छा, बेस में प्लास्टिक वाला पार्ट मिलता है। तो भाई ये देख लो, बाकी भाई का डंडा रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है भाई ये? नहीं ये ऐसे रखा हुआ है। यार टायर मोहब्बत भाई बड़े स्वीट से यार, ये देख लो, बढ़िया लगा भाई से मिलके यार, कसम से यार एक बार हाथ मिलाओ भाई। भाई कह रहे हैं कि ऐसे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का आ गया था गलती से। ठीक है भाई, तो भाई स्टीयरिंग ऐसे आता है इसका? हाँ जी स्टीयरिंग ऐसे आता है, स्टीयरिंग ऐसे आता है। ओके, मतलब इसमें आपको ना सारे ये मिल जाते हैं भाई, माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह? एलएक्सआई में ना ये नहीं होते। अच्छा, नॉर्मल होता है ये, वो भी है मेरे भाई पे। अच्छा अच्छा, वो सिंपल एकदम, कुछ भी नहीं है उसमें ऐसा। अच्छा, तो ये है कि एलएक्सआई में एक तो मीटर आपको सिंगल मिलेगा और ये नहीं मिलता कुछ भी, है ना, ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह कुछ नहीं, वो भी नहीं मिलते, ये भी नहीं मिलते, बाहर से लगवाने पड़ते हैं। अच्छा, मतलब बिल्कुल ही प्रॉपर बेस है। हाँ जी, जब भी तो मैंने लिया मेरे को कह रहे थे ये लगेंगे बाहर से, वो लगा, मैं कहा नहीं वीएक्स सही है। तो यार ये बात तो बिल्कुल सही है। बाकी यार ये बताओ कि गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग की तरह क्या ही बात करूँ, पर कैसी लगती है आपको, मतलब हल्की है गाड़ी? ओके है एकदम, ठीक है गाड़ी एकदम ओके। आपका पर्पस क्या था मॉडिफिकेशन से लेके? थोड़ा सा थोड़ी लुक वाइज लगती है बस, अभी तो कुछ करवाया ही नहीं। अच्छा, शायद चली भी और ही कम होगी, ये देखो अभी इतनी चल रही है। अच्छा, 4000 ही चल रही है? 4000 चल, आप तो मुझसे 5-6 किलोमीटर कह रहे थे। नहीं मैंने बोला 4-5 हज़ार किलोमीटर। अच्छा, 1000 में बात हो रही थी? हाँ जी। अरे भाई मैं तो यार कुछ अलग ही समझ बैठा, मैं जब भी तो पूछा था 4-5 हज़ार चल रही। भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, मैं भी यही सोचा था शोरूम से पता नहीं कैसे कहते वहीं से लेके आए क्या यार्ड में से उठा के। तो ये देख लो 4000 किलोमीटर भाई ये गाड़ी चल चुकी है, और 4000 किलोमीटर के बाद का क्या एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी का बताओ आप मुझे। ओके, अभी हम तो पहाड़ों से भी घुमाए और कहीं भी ले जाते हैं, मतलब पहाड़ों में कहाँ गए थे? पहाड़ों में ऋषिकेश, ऋषिकेश घूमने गए पूरे ऊपर तक। और माइलेज वगैरह क्या है भाई गाड़ी का? माइलेज तो डाउन है, कितना फिर भी? बहुत डाउन है, हैं? बहुत डाउन आ रहा है, पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरे साथ ये, तो फिर भी ठीक आ रहा होगा, अब तो इतना 11.7 का आ रहा है, 11.7 का आ रहा है, क्योंकि टूर से आ रही है। ये हो क्या रहा है भाई, कोई स्विफ्ट वाला कहता है कि माइलेज अच्छा है, कोई स्विफ्ट वाला कहता है बिल्कुल बेकार है। नहीं ऐसे अब हम लोकल में चला रहे हैं, तो आ जाता है मेरा 9 पे, फिर लंबे टूर पे जा रहे हैं 12 पे भी आ जाते हैं, 14 पे भी आ जाती है, और लोकल में तो डाउन आ जाता है, डाउन आ जाता है ना। बाकी स्क्रीन लगवाई आपने इसमें और सब सिस्टम ऐसे ही है? सिस्टम नहीं, स्पीकर लगे हैं ये। अरे ये तो देख ही लो ना भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो क्या क्या लगवा रखा है भाई, लग रहे हैं बेस ट्यूब लग रही है। तो चलो पहले सिस्टम का ही काम खत्म कर लेते हैं, वो सुना दो आप। यूट्यूब खोलो, एनसीएस का एक सॉन्ग लगाओ ताकि अपने को ना आए कॉपीराइट। तो ये देख लो भाई, हमने खोल लिया है यूट्यूब, और एनसीएस का क्यों सर्च करना पड़ता है? क्योंकि कॉपीराइट ना आए। तो ये देख लेते हैं एनसीएस म्यूजिक, ठीक है, थोड़ा सा यार बेस वाला देख लेते हैं, भाई ने सिस्टम लगवा रखा है तो कुछ मजा आ जाए ना। अभी तो आधा उतार के घर पे रख रखा है भाई। अच्छा, हां जी, पीछे के अभी टूर पे गए थे ना इसलिए। अच्छा, आवाज कर दो भाई। ओके मेरे यार, भाई सही में गजब, सही में गजब, ये देख लो यार। तो ये देख लो भाई, देख रहे हो भाई सिस्टम, और अभी बता रहे हो आपके आधा रखा हुआ है, आधा रखा हुआ है, ये पीछे
अच्छा ये हट जाएगी ना ट्रे, ट्रे दूसरी आएगी तो ये ट्रे हट के भाई अभी सिस्टम रहेगा, बाकी बंद कर लो भाई। तो ये देखो मतलब स्विफ्ट का बिल्कुल खतरनाक वाला सिस्टम भाई। अब मुझे ये बताओ सिस्टम लगा कितने का था भैया? ये तो हम पूछ चुके हैं शायद। हाँ जी हाँ जी, है ना, पूछ चुके। अच्छा पूछ लिया तो दोबारा की पूछ रहे हैं, ठीक है भाई। मैं भूल जाता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। बाकी ये बताओ टोटल ओवरऑल काम कितने का करा रखा है भैया? मैंने मेरे को वही 45-40 के बीच में बैठ गया था सारा काम। लो ये सिस्टम सब चीजें लगा कुछ करवा के टोटली गाड़ी भाई। कैसे यार, सिस्टम कितने का बताया था आपने? सिस्टम भैया मेरे को 60-65 के। और ये एलॉय वगैरह? अलॉय वगैरह भी इतने के बैठ रहे 62 के। तो 120 के आसपास हो गया ना? हाँ जी, 120-130 के आसपास। छोटा मोटा करवा रहा था। अच्छा मतलब 1.5 लाख के आसपास आपने काम? लाइटिंग लगवा रखी है टायर में। अच्छा लाइट भी है टायर में? हाँ जी वो चलवा रहा। अच्छा चलो वो भी देखेंगे भाई। चलो अब थोड़ा सा बाहर चल के बातें कर लेते हैं भाई। तो चलो गुरु भाई अब ये बात बता दो मुझे कि भाई जैसे गाड़ी में पॉजिटिव्स होते हैं तो नेगेटिव्स भी होते हैं, तो आपको इस गाड़ी के कुछ नेगेटिव समझ आए हैं अब तक? नहीं भैया सब ठीक ही है, सब बढ़िया है। हाँ जी, जी। कोई नेगेटिव नहीं है? अच्छा जैसे सेफ्टी रेटिंग भी 0 है तो उसके ऊपर कुछ? सब ठीक है मेरे लिए, तो सब ठीक है। वो बाकी अपनी अपनी चॉइस है, जिसको किसी को अच्छा बोलना है किसी को बुरा बोलना। भाई के दिल से बात निकल रही है, गाड़ी लिए मैंने खरीद, पैसा फूंक दिया है, तो अब कोई नेगेटिव वाली बात करो मत। 10 लाख रुपए लगा दे घर वालों को, 11 लाख रुपए बुरा बोलूंगा। सही बात है यार, ये होना भी चाहिए। देखो अब गाड़ी वाड़ियाँ खरीद रहे हैं हम, अपने आप पैसे वैसे खर्च करते हैं, तो भाई क्या ही नेगेटिव बताए। और नेगेटिव होता तो यार ऐसे थोड़ी ले लेते हैं। तो भाई जैसे आउट ऑफ 10 आप इस गाड़ी को कितने नंबर देते हो स्विफ्ट को? 10 में से 9 नंबर। 10 में से 9? एक नंबर किसका काटा? थोड़ा बहुत दिक्कत आती है जो। अच्छा वो दिक्कत का नाम बताओ मुझे। अब दिक्कतें बहुत आती है भैया वैसे तो, जैसे अच्छा। चला रहे हम रोड पे, कई बार नीचे अलॉय डलवाने के बाद थोड़ा दिक्कत आने लग जाती है वो। अच्छा ऐसे साउंड वगैरह कुछ है? फिर काम करवाओ, काम करो। बाकी इसका कॉम्पिटिटर मानते हो भाई किसी को स्विफ्ट का? कोई नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है इसके। पुराने वाली भी टॉप थी और ये वाली भी टॉप है यार, ये बिल्कुल रियलिटी है। पुरानी वाली स्विफ्ट भी बहुत ज्यादा लाजवाब थी और ये वाली स्विफ्ट भी भाई है ही लाजवाब है ना, तभी इतनी बिक्री है ना। तो चलो थैंक यू गुरी भाई अपना टाइम देने के लिए। तो ये थे भाई अपने साथ गुरी भाई, जिन्होंने अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर किया है भाई। ये है अपनी स्विफ्ट और अभी 3-4 महीने पहले ही लिए, तो पता नहीं शायद 3-4 महीने पहले ही लिए, और बाकी चलाई भी है 4,000 किलोमीटर के आसपास है। उसी बेस पे भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कैसी गाड़ी है, क्या है, कितना खर्चा करा दिया है। वैसे सिस्टम वगैरह जैसे 60-62 के आसपास भाई ने खर्च कर दिया, 60-62 के अलॉय व्हील वगैरह, तो कुल मिला के 1,20,000 के आसपास भाई ने लगा दिया है। तो यार ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, शेयर करना, शेयर करना नहीं शेयर करो, शेयर करते हो नहीं आप, ठीक है। और कमेंट करो, कमेंट में बताओ मुझे गाड़ी कैसी लग रही है, अलॉय व्हील वगैरह कैसे लग रहे हैं, और स्विफ्ट जो स्विफ्ट दबा के मैं लेके आ रहा हूँ वो चीज़ आपको कैसी लग रही है। और भाई सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि व्यूज आ जाते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। तो चलो भाई वीडियो करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ, बाय।